हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से कितने भक्त हो जो कि पंचकुला मंदिर से जुड़े हो? ठीक। और अगला प्रश्न, कितने भक्त हो जो कि अक्सर चंडीगढ़ मंदिर आते हो? और अगला प्रश्न, कितने भक्त हो जो दोनों मंदिर जाते हो? हरे कृष्ण। किताब नवा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानंजनाशलक्य चक्षुर्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्य मनोवृत्तं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदायां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अरविंद कदा। थोड़े दिनों में आप गीता जयंती मनाओगे। गीता जयंती कौन से दिन को है? हाँ, हमारे वैष्णव कैलेंडर में 19। और इसलिए हमने सोचा कि गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक आपको पढ़कर सुनाए। यह है 9वें अध्याय का 2वां श्लोक। कौन जानता है? ओके। अनुवाद है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अधुराई अनुवाद। आप सब पीछे बोलिए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्या समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, यह वेदाध्ययन से प्राप्त एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुहतम है क्योंकि गुह या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह ज्ञान के इस राजा यानी राज विद्या की प्राकाष्ठा है, वह है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है,
उसमें राजनीति, समाज शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हाय कृष्ण, तो ये गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है और गीता का संदेश कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान। यहाँ ये कहा गया है राजा विद्या राजा कोई अब, तो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा है भौतिक ज्ञान। आज पाठशालाओं और महाविद्यालयों की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि बड़ा अच्छा धंधा है स्कूल, पाठशाला, महाविद्यालय, हॉस्पिटल खोलना। तो इन महाविद्यालयों में, पाठशालाओं में आपको भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है। भौतिक ज्ञान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? यह है लक्ष्य और उद्देश्य कि आप भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करो, परिश्रम करो, प्रयास करो, परंतु में क्या भाव है, हमें भौतिक सुख चाहिए। अज्ञानता के कारण, भौतिक ज्ञान के प्रभाव के कारण हम सोचते हैं कि भौतिक सुख द्वारा वो सुख प्राप्त हो जाएगा। और भौतिक सुख से अर्थ है धन प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त हो। तो भौतिक ज्ञान हमें केवल संक्षेप में ये शिक्षा देता है कि आप किस प्रकार इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो। और अगर देखा जाए वही प्रयास रहता है। और ये भौतिक ज्ञान आपको असली शिक्षा नहीं देता। इसकी तुलना में आध्यात्मिक ज्ञान है, जैसे कि आपको ज्ञान गीता में प्राप्त होता है, भगवता में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का क्या लक्ष्य है? आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है कि आपको ये शिक्षा दी जाए कि आप कैसे असली सुख प्राप्त कर सकते, चाहे आप भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी, दोनों का लक्ष्य एक है कि हम सुख और खुशी चाहते हैं। सच बात है, जो पशु है वो भी ये भी यही चाहते हैं। बिल्ली को दूध मिल जाए रसोई में तो बड़ी संतोष होती है। आप चीनी, मीठी चीज, चीनी को फेंको, चींटियाँ दूर दूर से आएंगे। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है। प्रहलाद महाराज, जिनकी शिक्षा आप भगवतम के साथ स्कंद में प्राप्त करते हो, उन्होंने कहा नहते विदुम सतगति में विष्णु। लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा। आप सब जो कि यहाँ उपस्थित हो, आप सब जो इस कॉन्सेंस से जुड़े हो, आप जानते हो कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो हमें परम भगवान ईश्वरनगत होने का प्रयास करना पड़ेगा। भौतिक सुख का लक्षण क्या है? अगर आज सुख मिले भी, यही सुख कल दुख का कारण बन जाता है। भगवान
18वें अध्याय में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं, सात्विक सुख और आगे और तामसिक सुख। और सात्विक सुख के विषय में भगवान कहते हैं, शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जो कि जिसका भाव है आत्म साक्षात्कार, वो है भौतिक सुख, वो है सात्विक सुख। शुरू में कड़वा, बाद में मीठा। और राजसिक सुख, उसका लक्षण क्या है? शुरू में मीठा और बाद में, जो कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य द्वारा प्राप्त हो। और तामसिक सुख, शुरू से अंत तक निर्भर है आंसीपन इत्यादि के ऊपर। तो सात्विक सुख जो है शुरू में कड़वा लगता है, क्यों? क्योंकि जब आप आध्यात्मिक जीवन को पालने का प्रयास करते हो, आपको कहा जाता है वहाँ मंदिर का जाप करो, इन नियमों का पालन करो। शुरू में हमें यह कड़वा दिखता है, महामंदिर के लिए जाप के लिए समय निकालोगे, उसके मतलब किधर ना किधर और समय कार्य घटाना पड़ेगा। दिन में तो 24 घंटे ही रहेंगे, चाहे आप आध्यात्मिक मार्ग में चलो या भौतिक मार्ग में। तो शुरू में हमें ये कड़वा दिखता है नियम का पालन करना, पर जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हम देखते हैं क्या, यही चीज़ जो कड़वी थी आज मीठी बन रही है। अगर भक्ति के द्वारा मीठापन महसूस नहीं होता तो लोग भक्ति क्यों करते? सच बात है, आप लोग हरिनाम क्यों करते? आपको रिश्वत मिलती है हरिनाम करने के लिए? ऐसे भारत में ईसाई लोग लोगों के धर्म को बदल रहे हैं। वो बदलते हैं कि लोगों को आकर्षित कैसे करते हैं? धन का लालच देकर, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसी प्रकार से मुसलमान लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक चैनल है मुसलमानों का, जिसमें एक कंपटीशन करते हैं कुरान पढ़ने का। उन लोगों को कहा जाता है वो ये टेस्ट में पास करेगा उसको मेडिकल कॉलेज में हम भेजेंगे। तो ये तो कहने का तात्पर्य ये है, लोग प्रचार करते हैं और हमें आकर्षित करते हैं धन के द्वारा, पर आप लोगों को कोई लालच नहीं दिया जा रहा। तो जब भी आप हरि नाम को जाप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको इसके द्वारा असली आनंद संतुष्टता की प्राप्ति हो रही। तो भौतिक ज्ञान शुरू में मीठा, बाद में करो, हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पाप के कार्य में जुड़ते हैं, अंत में भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तो भौतिक ज्ञान जो है वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, वो आपके मन की शांति नहीं दे सकता, वो आपको केवल थोड़े समय के लिए सुख पहुंचा सकता है, वो भी थोड़े समय के लिए। मान लो बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा बन जाओ, कब तक इसका लाभ उठा सकोगे? हमेशा? मान लो आप एक बड़े प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार बन गए, जहाँ जाते हो लोग आते हैं आपका दस्तखत लेने के लिए, फिर कब तक रहोगे युवक के समान? हमेशा के लिए? तो आप देख सकते हो ये जो ज्ञान हमें भौतिक महाविद्यालय में, पाठशाला में प्राप्त हो रहा है, वो असली ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो आपकी असली समस्या का हल नहीं कर सकता।
क्या है आपकी असली समस्या, कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु ने हमें आध्यात्मिक शिक्षा दी है, वो स्वयं स्वयं भगवान है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, हिंदू भी थे भक्त, मुसलमानों का शासन था उन दिनों में, और जबरदस्ती इन दो भाइयों को जोड़ दिया था सरकारी नौकरी में, उनकी रुचि नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु रामकेले में आए, रूप और सनातन की इच्छा थी कि हमें महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हो, और ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैंने अपने शरीर को ढक कर वो पहुँचे महाप्रभु के पास, और उन्होंने प्रणाम किया, ये कहा समाज में लोग हमें बड़ा विद्वान मानते हैं, पर हम ये भी नहीं जानते कि हमें, कि हमें का मतलब हम कौन है। तो भौतिक शिक्षा आपको ये नहीं सिखाती कि आप हो कौन, भौतिक शिक्षा केवल ये सिखाती है चिंता मत करो, सब समस्या का हल है। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं डरते क्यों, रंग कर देंगे। आप अगर गंजे बन रहे हो डरो मत, हम हेयर ट्रांसप्लांट करा देंगे। तो अगर आपको सुनने में तकलीफ आ रही है घबराओ मत, छोटा हियरिंग एड दे देंगे। अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही है, आप ये नहीं दिखाना चाहते दुनिया को कि आप ऐनक पहनते हो, आपको कॉन्टैक्ट लेंस दे देंगे। अगर आपका किडनी और लिवर नहीं चलता तो भी आपको नकली रिप्लेसमेंट दे देंगे। तो बहुत एक ज्ञान हमें केवल ये शिक्षा देता है कि आप अंतक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करते जाओ। शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है पशुओं का, उदाहरण के लिए जो मछली है उसको कैसे आकर्षित किया जाता है, खाना का लालच देकर। जो हिरन है उसे कैसे पकड़ा जाता है, खास धुन पर जाकर फिर वो रुक जाता है ये देखने के लिए धुन कहाँ से आ रही है, और गोली से मार देता है शिकारी। जो मधुमक्खी है अलग अलग फूलों में बैठती है, कमल के फूल में जब बैठती है क्योंकि वो अपने नाक जो गंध की बड़ी भाई इच्छा रहती है अच्छा सुगंध मिले, जब कमल के फूल का सुगंध से संतुष्ट होती है उसमें बैठे रहती है, शाम को जब कमल का फूल बंद होता है तो फंस जाती है। पतंगा है रोशनी को देखता है क्योंकि वो सदा अपनी आँखों को संतुष्ट करना चाहता है, और जब जाकर बैठता है बल में तो उसकी गर्मी से जल जाता है। हाथी को पकड़ना आसान नहीं है, तो फीमेल हाथी हाथी को आकर्षित करती है, और शिकारी क्या करता है, खड्डा खोदा हुआ है ऊपर से घास रखा हुआ है उसमें हाथी गिर जाता है और अंदर जाता है। तो ये उदाहरण आपको श्रीमद् भागवत में प्राप्त होते हैं, और भागवतम इन उदाहरणों के द्वारा ये शिक्षा दे रही है जिस प्रकार ये अलग अलग पशु उनका अंत आता है इंद्रियों को संतुष्ट बनाने के प्रयास में, उसी प्रकार अगर हम बच्ची भौतिक कार्यों में जुड़े हमारा भी अंत आ जाएगा। तो भौतिक ज्ञान हमारी समस्याओं का हल नहीं कर सकता।
भौतिक ज्ञान हमें असली संतुष्टता भी नहीं दे सकता। अगर संतुष्टता मिले भी वो नकली होगी, और इसलिए शास्त्रों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, राजा विजय राजा विजय। परम भगवान व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए थे, और व्यासदेव ने हमें सनातन शिक्षा दी है। अब कई बार सनातन धर्म शब्द का सुनते हो, सनातन धर्म मतलब सनातन शिक्षा। उदाहरण के लिए ये गीता का ज्ञान है, जैसे हमने कहा भगवान ने कहा है राजा विद्या राजा विद्या, इस सब विद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपको ये सिखाता है कि अब हो कौन। जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप उसे क्या सिखाते हो, नाम क्या है, कौन हो, है कि नहीं। आप किसी विदेश की यात्रा करते हो, आपको पहले ये दिखाना पड़ता है आप हो कौन। तो वेदांत सूत्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। 84 लाख किस्म की योनियां हैं, जिनमें कि मानव योनि कितनी है, 4 लाख। दूसरे शब्दों में हमें ये शिक्षा प्राप्त हो रही है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, और अगर कोई चीज दुर्लभ हो आप उसे संभाल कर रखते हो या नहीं। मान लो आपके सोने जो गहने हैं आप खुला रखते हो या लॉकर में रखते हो, आपके घर जो अखबार आती है उसको लॉकर में रखते हो नहीं, क्योंकि जो दुर्लभ चीज है उसे आप सावधानी से रखते हो। तो गीता का जो ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है। अहम बीजा पदा पिता, भगवान कहते हैं मैं हूं सब योनियों का पिता। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये समझाता है कि किस प्रकार हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। भगवद गीता में अनेक विषयों की चर्चा है। सबसे पहले तो ये स्थापित होता है कि परम भगवान कौन है। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा का अर्थ क्या है, परम भगवान बोल रहे हैं। तो गीता का जो संदेश है इसका उच्चारण स्वयं परम भगवान ने किया, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई देवता नहीं। अनेक व्यक्ति ने गीता का अनुवाद किया है, पर आप देखते हो कि अनुवादों के द्वारा ज्यादा भक्त नहीं बने। और जब से भगवद गीता यथा रूप प्रकाशित हुई है लाखों लाखों भक्त बने भगवान श्री कृष्ण के। क्यों? क्योंकि यहाँ असली संदेश दिया जा रहा है, इसलिए इसे कहा गया है भगवद गीता यथारूप। जिस भावना से भगवान ने दिया, जिस भावना से अर्जुन ने स्वीकार किया, उसी प्रकार हमें भी स्वीकार करना चाहिए। तो गीता में आप पढ़ते हो कि कृष्ण भगवान परम भगवान है। ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाथ नाथ गोविंद सर्वकर्ण कर्ण। अनेक ईश्वर है पर एक ही परमेश्वर है। और भगवद गीता में कहा गया है सीधा देवला व्यास है नारदा सबका यही नाम है कृष्ण भगवान परम भगवान है। कृष्ण त्यु भगवान स्वयं। आगे भगवद गीता के द्वारा आपको शिक्षा मिलती है क्या हो कौन।
अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं ये शरीर ही हमारा असली स्वरूप है और हमारा प्रयास रहता है शरीर को और खूबसूरत बनाना। सच है झूठ? सच बोलिए। आईने के सामने कितनी बार जाते हो आप दिन में? कई तो आईने को अपने बटवे में रखते हैं, देखना चाहते हैं हर घंटे खूबसूरती बढ़ रही है घट रही है, और केवल परम भगवान की खूबसूरती बढ़ती है। तो अब हो कौन, और इस विषय में आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आज आप साधारण व्यक्ति से आत्मा का प्रश्न पूछो वो उत्तर नहीं दे पाएगा, पर किसी इस्कॉन से पढ़े हुए भक्त से पूछो वो आपको ठीक उत्तर दे पाएगा। आत्मा के विषय में भगवान क्या कहते हैं? सनातन है, जायते मृत्यु वा कदाचित, ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो आप पूछोगे तो मृत्यु किसकी होती है? हम कहते हैं वो व्यक्ति छोड़ के चले गया, शरीर तो आपके सामने खड़ा है, बैठा है, लेटा है, आप कैसे कह सकते हो वो चले गया? तो असली इसके द्वारा अर्थ क्या है? आत्मा ने एक देह को त्याग कर दूसरे देह में को स्वीकार कर लिया है। ये मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है एक देह को छोड़कर अगला देह प्राप्त हो गया। और आत्मा के विषय में भगवान कहते हैं ना जन्म ना मृत्यु, इसलिए आप सुनते हो कि हम सनातन हैं और कर्मों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का देह हमें प्राप्त होगा, और हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं। कई बार लोग पूछते हैं, आप लोग कहते हो कि आत्मा का देहांतर हो रहा है, पर कौन है साक्षी इन सब चीजों का? कोई साक्षी है? कौन है? अनेक साक्षी है। सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, तारे, ये सब साक्षी बनते हैं। 33 करोड़ देवता देवियां हैं, वो सब साक्षी बनते हैं। और इसके अलावा परमात्मा सबके हृदय में सदा विराजमान है। तो कर्मों के आधार पर भविष्य निश्चित होता है, इसलिए भगवान 3rd और 5th अध्याय में ये शिक्षा देते हैं कि हमें हर कार्य करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर भगवान की खुशी के लिए। जैसे भगवान ने गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है, यत करोषि यद अश्नासि यद होषि ददासि यत, तत् तपसोषि कौन्तेय मत्कृष्व मदार्पणम्। जो भी तुम खाओ, ध्यान दो, कार्य करो इस भावना के साथ मेरी खुशी के। तो ये आत्मा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको जानकर खुशी होगी कि बाइबल में भी यही भाव दिया गया है। बाइबल में कहा गया है एक श्लोक में, व्हाट विल आई डू इफ आई गेन द होल वर्ल्ड बट सफर द लॉस ऑफ योर इटर्नल सोल। इसमें जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, सारे विश्व को तुम प्राप्त कर लोगे, आत्मा को खोलोगे, हमें क्या प्राप्त किया? कुछ भी नहीं। ये है वैदिक सिद्धांत, ये है गीता का एक और विषय। गीता द्वारा आप ये भी देखते हो प्रकृति भगवान के इशारे से चल रही है, माया दक्षिणा प्रकृति। प्रकृति द्वारा हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आज सुबह हम चंडीगढ़ मंदिर के भगवतम क्लास में महाराज वीणा की कथा सुना रहे थे,
तो महाराज मीना एक राजा थे जो बड़े घमंडी बन गए थे, और इतने घमंडी थे कि उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा सारे यज्ञ समाज में रुकवा दिए थे। ब्राह्मणों को कहते थे, भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें सब सुविधा दे रहा हूं। और क्योंकि राजा इतना नास्तिक था, समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो हंसते हंसते समाप्त हो गई और लोग अत्यंत दुखी थे। तो सरकार शास्त्र की शिक्षा के आधार पर हो तो समाज में सब सुखी होते। जैसे आज भी आप राम राज्य का स्मरण करते हो, क्यों अब इसलिए राम राज्य का स्मरण करते हो, क्योंकि उस समय समाज में पूरे प्रकार प्रकार का सुख था, किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। तो प्रकृति जो है भगवान के इशारे पर चलती है। इस विषय में गीता के तीसरे अध्याय में कहा गया है, जल की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है जल के द्वारा। जल प्राप्त होता है जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ दाना तपस्या तीन चीजों में हमें नहीं त्यागना चाहिए, चाहे आप आत्मज्ञान में क्यों ना हो। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं तीन चीजों को नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ दाना और तो यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है वो साधन जिसके द्वारा अपन भगवान की सेवा कर सकते हो, और जिस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग इलाज है, ये बात सच है। आप बीमार होते हो ये थोड़ी क्या आप केमिस्ट की दुकान में जाकर आंख बंद करके दवाई ले लेते हो, अलग अलग बीमारी का अलग अलग उपाय। उसी प्रकार अलग अलग युग में यज्ञ के असली अलग अलग साधन हैं। उदाहरण के लिए सतयुग में लोगों की अवधि 100,000 साल होती थी, और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था, भगवान का चिंतन करना। द्वापर युग में अवधि 10 गुना कम हो गई, 10,000 साल, और साधन क्या था, बड़े बड़े यज्ञ जिसमें शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता थी। और वो द्वापर युग में लोगों की अवधि ज्यादा से ज्यादा 1,000 साल थी, और भगवत प्राप्ति का यज्ञ का क्या साधन था, अच्छा भगवान को महंगी महंगी भेंट अर्पण करना। कलयुग में ज्यादा से ज्यादा 100 साल, और भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण। तो यज्ञ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दाना, दाना का अर्थ है दान देना, दान देना। तो हम दान में क्या देते हैं, दिव्य ज्ञान। अगर भौतिक समाज में किसी चीज की कमी है तो किस विषय की कमी है, दिव्य ज्ञान की कमी है। तो ये ज्ञान का प्रचार करना, ज्ञान को आगे बढ़ाना, ये है असली दान। इसलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सबसे प्रिय वो व्यक्ति है जो ज्ञान का प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय न कर हुआ है ना होगा। और जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है प्रचार के माध्यम से, भगवान उसके विषय में क्या कहते हैं, बिना शंका के मेरे धाम में आएगा। भगवान के धाम में कौन कौन लौटना चाहते हैं, सब। फ्री टिकट तो नहीं मिल रही,
भगवान कहते हैं सर्वधर्म पढ़ता जमा में कम से कम पढ़ता हम तो सर्वा पाप मोक्ष में मास हो जा। अगर तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओगे, मेरी शिक्षा का पालन करोगे, फिर बिना शंका के तुम मेरे धाम में लौटे। भगवान ये नहीं कहते विंध्य तृप्ति करते जाओ और मेरे धाम आओगे। भगवान ने स्पष्ट कहा है अगर तुम मन इंद्रियों द्वारा मेरी सेवा करो तो ये है असली दान, ज्ञान का दान। और तपस्या, तपस्या का अर्थ है उन चीजों को त्यागना जो कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रतिकूल है। जैसे कि आप खुराक खाते हो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करते हो कि नहीं? अगर आपको पता है ये भोजन खाने से श्वास कमजोर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, आप खाओगे नहीं खाओगे? आपको क्या कह रहे इसमें जहर का एक बूंद है सर, आप खाओगे? तो तपस्या से हमें डरना नहीं चाहिए। भगवान ऋषिदेव की शिक्षा भागवतम के पांचवें स्कंध में है। भगवान ऋषिदेव भगवान के अवतार थे, उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने ये शिक्षा दी है कि अगर कोई माता बने, पिता बने, उसे अपनी औलाद को ये शिक्षा देनी चाहिए जिसके द्वारा भगवान के धाम लौट सके। तो महाराज ऋषिदेव कहते हैं तपो देवी पुत्र का ये न सत्वम, हे मेरे बेटे तुम सबको भगवान की खुशी के लिए तपस्या करना चाहिए। जैसे जीव को आदत है भौतिक चर्चा करने की, सच बात है, जिसे हम जलपा कहते हैं, फिर भी गाने गाने का, और आप अभी जो भक्ति में जुड़ते हो आप कह रहे हो ठीक है हम फिर भी गाने नहीं गाएंगे और हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे, हम बिना भेदभाव के नहीं खाएंगे, खाएंगे केवल कृष्ण प्रसाद, वो है तपस्या। आप किसी प्रतिकूल कार्य को त्याग रहे हो क्योंकि आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो। तो आप पूछ सकते हो, कई बार लोग पूछते हैं अगर हम तपस्या का पालन करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं, क्या मिलेगा कौन बताएगा? आपको असली खुशी मिलेगी। भगवान ऋषि तो कहते हैं सुख क्यों मनाता, असली सुख मिलेगा जो कि केवल बढ़ते जाएगा। तो ज्ञान दान तपस्या यज्ञ हमें किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवद गीता में ये कहा गया है कि अगर हमें प्रकृति से सहयोग चाहिए तो हमें यज्ञ करना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आगे भगवद गीता में समय की चर्चा भी है। आप घड़ी में देखना चाहते हो बार बार क्या टाइम है, तो समय के विषय में भगवान ने क्या कहा, समय हर चीज को नष्ट कर देता है, आई एम द डिस्ट्रॉयर। कैसे नष्ट करता है? आज आपका शरीर मशीर खूबसूरत है, युवक हो, कल भी रहेगा, बूढ़े व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता। तो यही बूढ़े जो व्यक्ति आज बूढ़े हैं एक दिन जवान थे आप जैसे। तो समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। आज अगर आपके शरीर में बल है तो आपके इसी शरीर को कमजोर बना देगा, अगर आज आपके नेत्रों में योग्यता है कल इन नेत्रों को कमजोर बना देगा, आज आप सुन सकते हो कल भैरव भी बना देगा।
आज आपके शरीर में चलने की शक्ति है, कल लकड़ी लेके चलने का संभावना हो सकती है। तो समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। और भागवत में कहा गया है, रोज सुबह जब आप सूर्य की रोशनी को देखते हो, शाम को जब भी डूबता है, उसका अर्थ क्या है? आप तुम्हारे जीवन में एक दिन कम बच गया। हम कभी सोचते हैं? तो समय का चाणक्य पंडित प्रधानमंत्री थे, क्योंकि एक साली कुटिया में रहते थे। राजा को पता था कि प्रधानमंत्री बड़ा ज्ञानी है। राजा ने कहा, मैं आपके लिए महल बना देता हूँ। बच्चे के पंडित ने कहा, नहीं, कुटिया में खुश, आपके महल स्वीकार करूँगा, आपकी बातों में हाँ मिलाना पड़ेगा। बच्चे के पंडित ने हमें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी। बच्चे के पंडित कहते हैं, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकोगे। इसलिए संतों का ये उपदेश है, हमें समय का ठीक उपयोग करना है। तो इस प्रकार भगवत गीता के द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। इसी कारण इस 9वें अध्याय में कहा गया है, ये सब विद्याओं का राजा है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सिर्फ भौतिक ज्ञान, एक PhD, दो PhD, तीन PhD, इसे कुछ लाभ मिलेगा? 1 0 2 0 50 0 = 0। तो आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप देखते हो कि इसकोन के जो भक्त हैं, स्कूलों में जाते हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, हर अवसर का लाभ उठाते हैं। क्या? गीता का संदेश देने के लिए। तो गीता का जो संदेश है पूरे मानव समाज के सुख के लिए है। तो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष इसको संसार के भक्त आपको चंडीगढ़ पंचकुला में नहीं, सारे विश्व में प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए। कोई कहेगा इसको हमारे बड़े लालची हैं पैसे के पीछे, ये तो गीता जहाँ हम बांटते हैं लगभग छपाई की कीमत पर बांटते हैं। पर इसलिए बांटते हैं क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं लोग इस ज्ञान को पढ़े। पिछले हफ्ते मैं हैदराबाद में था, तो सेंट्रल पार्क में वॉक के लिए गया था, तो वहाँ मैंने देखा बहुत बड़ा टेबल मुस्लिम किताबों के साथ, ऊपर एक बैनर, फ्री फॉर नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम ऑन पेमेंट। तो वो कह रहे थे, जो आगे तो मुसलमान नहीं हो तो ये किताबें हम तुम्हें मुफ्त में दे रहे हैं, और मुसलमान हो तो भरना पड़ेगा। कि वो क्या, हमें किताबों के द्वारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो हम भी अगर सुविधा हो तो उसमें बांटें, पर हम छपाई की कीमत पर बांटते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है कि सारे बच्ची भौतिक संसार से निकल कर कहाँ लौटें? उनके हाँ, जे अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो माता पिता चिंतित होते हैं कि नहीं? और आप उसे ढूंढ कर ले आओ माता पिता के पास, वो प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, मैं उन भक्तों का आभारी बन जाता हूँ जो कि प्रयास करते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये जो प्रचार की सेवा है उस पर बल दिया गया है। और कई श्लोक हैं हमारे शास्त्र में
यहाँ की इस महत्वपूर्ण शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो हर साल इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में, विदेशों में तो आप जानते हो इस समय बर्फ गिर रही है, रशिया, अमेरिका, कजाकिस्तान, बहुत ठंड है। उस ठंडे वातावरण में भी हमारे विदेशी भक्त घर घर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, केवल इसलिए प्रभुपाद ने कहा, महाचार्यों ने कहा, परम भगवान ने कहा कि प्रचार करो, मैं जीवों को लाओ मेरे पास। तो पिछले साल भी आप सब जुड़े थे इस सेवा में, मैंने सुना पिछले साल आप सब पंचकुला चंडीगढ़ के भक्तों ने मिलकर लगभग 30,000 गीता पाठी थी, 26,000। ये साल टारगेट दिया है कितना, 30,000। उसका अर्थ क्या, हम चाहते हैं कि उन लोग एक ग्रंथों को पढ़ें। अगर आज आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, एक समय था चंडीगढ़ में 1-2-3 भक्त थे, अब हजारों भक्त हैं। एक समय था विश्वों का कोई केंद्र नहीं था भारत में या विदेश में, आज 600 से अधिक केंद्र हैं। ये प्रचार बड़ा कैसे, प्रभुपाद और भक्तों के प्रयास है, पर असली बड़ा है इन ग्रंथों के प्रभाव से। लोग जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ ये भगवान का हाल है। तो सब प्रकार के ज्ञानों में ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कंक्षति। जो व्यक्ति इस भक्ति योग की मार्ग में जुड़ता है वो सदा प्रसन्न रहता है। तो ये है असली सुख का साधन। तो आप सब भक्तजनों से निवेदन है, आप सब इन ग्रंथों को पढ़ो। हम ये नहीं चाहते आप केवल बांटो, प्रभु जी ये भी चाहते हैं क्या, क्या पढ़ो, रोज पढ़ो। एक ब्राह्मण था दक्षिण भारत में, जो भौतिक दृष्टि से अनपढ़ था, गांव में सब लोगों को पता था ये अनपढ़ है, पर उसके गुरु ने आदेश दिया था रोज तुम्हें 18 अध्यायों का उच्चारण करना चाहिए। तो नियमित रूप से ये ब्राह्मण एक ही स्थान में बैठकर श्री रंगम के मंदिर में रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। और क्योंकि वो अनपढ़ था, कई श्लोकों का उच्चारण ठीक करता था, कईयों का गलत, कईयों का अर्थ उसे समझ आता था, कईयों का अर्थ उसे समझ नहीं आता था। और पड़ोस के व्यक्ति हंसते थे इस ब्राह्मण पर, कहते हे अनपढ़ दिखावा कर रहा है कि बड़ा पंडित है। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, उन्होंने इस ब्राह्मण को देखा, देखकर ये पहचान गए कि जो आंसू बह रहे हैं ये ब्राह्मण से के चेहरे से शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो महाप्रभु ने पूछा उसे, हे ब्राह्मण तुम इन श्लोकों का उच्चारण रोज क्यों करते हो, लोग हंसते जब भी तुम विचलित नहीं होते। इस ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई, मैं तो अनपढ़ हूँ, ठीक उच्चारण भी नहीं कर सकता, लोग मेरे पर हंसते हैं, पर क्योंकि गुरु का आदेश था कि मैं रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करूं, मैं नियमित रूप से रोज करता हूं। और जब मैं देखता हूं कि परम भगवान श्री कृष्ण
अब मैं भक्त के पात्र सारथी बन गए, तो भगवान की निम्रता देखकर मेरे आंसू बहते। चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण को फिर गले लगाया और कहा, तुम अनपढ़ हो पर गीता के असली संदेश को समझ गए हो। फिर 4 महीने के लिए महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपने साथ रखा और रोज गीता का संदेश समझा रहे थे। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में कहते हैं, इस ब्राह्मण ने गुरु के आदेश का पालन किया, नियमित रूप से रोज 8 अध्यायों का उच्चारण, तो ये परिणाम हुआ कि भगवान खुद आए उसे दर्शन देने के लिए। तो गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं, जिस प्रकार भगवान के नामों में भगवान में अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो गीता हमें रोज पढ़नी चाहिए। आप में से कितने भक्त हैं सभा में, तो कम से कम 1 श्लोक का उच्चारण तात्पर्य के साथ रोज करते हो। मैं जब पिछले साल आया था तो आपसे विनती की थी, तो कितने हैं जो रोज पढ़ते हो गीता को? इतने जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। एक तो हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हमें गीता का अध्ययन करना है, और अध्ययन करोगे तो प्रचार का उत्साह भी बढ़ेगा। आप सोचोगे ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, सबको इसका पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के विषय में कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति 1 श्लोक को भी पढ़ेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो आप सबसे 2 विषयों की विनती है। पहला विषय यह है कि आप खुद गीता को रोज पढ़िए। तो आप में कितने भक्त या कम से कम भगवद गीता यथा रूप सबके पास है, तो 1 श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़ोगे तो आपकी अज्ञानता दूर होगी, और पढ़ोगे तो मन भी शांत रहेगा। आज आप देखते हो सेल फोन्स के साथ सब खेलते रहते हैं। आप प्लेन में जब यात्रा करते हो क्या देखते हो? हर व्यक्ति या सिनेमा देख रहा है सेलफोन में, या गेम खेल रहा है। और हम प्रयास करते रहते हैं कि हमें भौतिक कार्यों के द्वारा सुख मिले। हम क्या सोचते हैं, इस असली कार्य के द्वारा हमें असली सुख मिलेगा। पर कितना भी प्रयास कर लो, भौतिक जगत में संतुष्टता असंभव है। तो गीता पढ़िए, गीता पढ़ोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आप ये भी जान सकोगे माया से कैसे बचे। तो गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारे कई व्यापारी और भी ऐसा भक्त हैं रोज गीता को पढ़ते हैं, इसके कारण उनका ज्ञान इतना बढ़ गया है। अगर आपको शांति का जीवन चाहिए तो गीता को पढ़िए और गीता को बांटिए। और प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो आप सब से यही निवेदन है, गीता को बांटिए। ये साल मैराथन में सहयोग कौन कौन देगा आप में से? सब नहीं, मैंने सोचा था सब हाथ उठाएंगे। भगवान कहते हैं जो प्रचार करो कहाँ मेरे धाम आएगा। आप सबसे निवेदन है जुड़िए इस सेवा में, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।